हेलो इंटरेस्टिंग पीपल, वेलकम टू शुभेंटास्टिक गेमिंग। सो मैं वापस आ गया एक और नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा टेस्टिंग सर्वर है उसमें और क्या क्या चीज़ें न्यू ऐड हुई हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अगर आपको नहीं पता कि जो हमारा टेस्टिंग सर्वर है उसको कैसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, सो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, वो वीडियो आपको ऊपर आईकार्ड में मिल जाएगी। वीडियो चले तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना है ताकि फ्यूचर वीडियोस को मिस ना कर पाओ। शुरू करें, चलो फिर विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हियर वी गो। फैंटास्टिक पीपल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी वीडियो होने वाली है वो तीन पार्ट्स में होगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से। सो पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इन्वेंट्री है उसमें क्या क्या चेंज हुआ है। सो चलो फिर इन्वेंट्री में चलते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा आउटफिट्स का ऑप्शन है। ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा है, मेरे को देखने में ऐसा लग रहा है कि ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। सो अब आप देख सकते हो जो हमारा गन्स का सेक्शन है उसका पूरा थोड़ा लुक चेंज कर दिया इन्होंने। और यहाँ पर अब स्किन्स भी दिखेगी, जो हमारे गन्स की स्किन्स होगी वो भी दिखेंगी, जो हमें मिशंस के थ्रू मिलेंगी वो सारी स्किन्स। यहाँ पे नीचे स्किन्स का अलग ही सेक्शन आ चुका है, सो यहीं पे हमें दिखेगा। ये चीज़ बढ़िया कर दी है और मुझे अब देखने में बढ़िया लग रही है ये गन्स सारी की सारी। इसका लुक भी बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है। ग्राफिक्स, जैसे मैंने बोला कि ग्राफिक्स में इंप्रूवमेंट हुई है और बहुत बढ़िया लग रहा है, और अभी इंप्रूवमेंट होना और बाकी है। सो जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे, आगे टाइम होता रहेगा, वैसे वैसे अपडेट के साथ जो ग्राफिक्स है वो इम्प्रूव होते रहेंगे। सो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी गन्स है उसको इक्विप कैसे करना है ताकि जो हमारा प्लेयर है होम लॉबी में उसके पास भी गन आ जाए। सो आप जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं जिस जिस गन पे टैप कर रहा हूँ उसी के ऊपर एक येलो कलर का स्क्वायर टाइप का आ जा रहा है। सो बस वही है, जहाँ आप जिस भी गन में आप टैप करोगे तो वो जो स्क्वायर है वो उस गन पे जाएगा और इक्विप्ड हो जाएगी। आप जैसे देख सकोगे जहाँ पे स्किन्स का सेक्शन मैंने अभी बताया आपको, उसी के राइट साइड में भी एक ब्लू कलर का ऑप्शन है, उसमें लिखा हुआ है इक्विप। सो जैसे जैसे मैं जिस गन में टैप कर रहा हूँ तो उस गन में इक्विप्ड करके आ जा रहा है। सो अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो हमारा क्रिएटर वाला ऑप्शन है मिशंस के नीचे वो कैसे वर्क करता है। तो जैसे हम टैप करेंगे और ये ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे स्कारफॉल कंटेंट क्रिएटर्स लिखा हुआ है, और यहाँ जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं स्कारफॉल के जो पार्टनर प्रोग्राम है उन सबका यूट्यूब लिंक और उनका लोगो दोनों चीज़ें शो कर रही हैं। सो जैसे ही मैं अपने में टैप करूँगा, मैं अपने वाले को बताता हूँ, तो ऐसे पूछेगा यस करोगे तो आप सीधे ये ऐसे खुल जाएगा। और ये चीज़ बढ़िया करी है इन्होंने कि ये क्रोम में ना खुल के या ब्राउज़र में ना खुल के सीधे यूट्यूब के ऐप में खुलेगा, और इस तरह से मतलब आएगा, शो करेगा आपका चैनल जिस भी आप यूट्यूबर के उसमें जाओगे, और आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो उनको और उनकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो ये तो था कि जो हमारा कंटेंट क्रिएटर वाला ऑप्शन है वो कैसे वर्क करता है। सो अब चलते अपने लास्ट और फाइनल पार्ट की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो गेम मोड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब का सब वैसे ही है। इवन इसमें अभी तक डीओ और सोलो जो मोड होता है वो भी ऐड नहीं किया गया, बाकी सब वैसे ही है। सो ये तो हो गई गेम मोड की बात। तो अब जब गेम मोड देख लिया तो एक गेम प्ले भी बनता है, बट ये गेम प्ले पूरा नहीं है, ये एक छोटा सा पार्ट है गेम प्ले का। सो इस गेम प्ले में मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा अपने ही बंदे जो टीम मेट को मार देते थे नेट फेंक के, वो अब वर्क नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपना टीम मेट है, इस पर मैंने साउंड वेव बॉम्ब फेंका है और अभी भी ये है, निपटा नहीं है बंदा। और यहाँ से भी चलो मैं फेंक देता हूँ एक और, देखो मैंने ये फेंका और अभी भी ये बंदा है, निपटा नहीं है। तो आप देख सकते हो, और मुझे पता है इसने, और इसमें बचने का एक जो योगदान है वो एक हमारे आर्मर और हेलमेट का भी है, जो मेरे प्लेयर जो है साथी टीममेट उन्होंने पहना होगा, डेफिनेटली पहना होगा, तभी उन्हें कुछ असर नहीं हुआ और वो आराम से भाग रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो चले, क्योंकि वीडियो चले तो वीडियो लाइक कर देना है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।